ये लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है मैडम जी। भाई साहब पे कल जानलेवा हमला हुआ, पहले भी कई प्रयास किए गए हैं और इतने नज़दीक से गोलियां चलाई गई हैं जैसे ये एक बहुत बड़ी साजिश है। यहाँ नाच गाने वालों को जो ना Z+ सिक्योरिटी है, बाबाओं को Z+ सिक्योरिटी है, जो है वो क्या है जिसका छज्जा टूटा था हीरोइन रंजना कंगना रनौत को भी Z+ है। हमारे वजह यही है, मनुवाद की चूल्हे हिली हुई हैं इस वक्त। अगला इलेक्शन होगा मंडल वर्सेस कमंडल, संविधान वर्सेस मनुस्मृति। नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित आवाज पर। मैं आपके साथ ब्यूटी गिरी। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। जंतर मंतर वो इलाका है जो आम तौर पर चर्चाओं में रहता है और खासकर प्रदर्शन के लिए चर्चाओं में रहता है। अभी भी एक नया प्रदर्शन चल रहा है जो कि भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं। मामला आपको पता होगा, कल देर रात भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण पर गोलियां चली, 4 राउंड की गोलियां चली। गनीमत ये रही कि वो बाल बाल बच गए, हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक है। अब इसके बाद भीम आर्मी के लोगों में काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, इनकी मांग क्या है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका जनहित आवाज़ पर। धन्यवाद जी, जय भीम। ये लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है मैडम जी। भाई साहब पे कल जानलेवा हमला हुआ, पहले भी कई प्रयास किए गए हैं और इतने नज़दीक से गोलियां चलाई गई हैं जैसे ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसकी हम CBI इंक्वायरी चाहते हैं। गृह मंत्रालय में हम ज्ञापन देकर आए हैं। यहाँ नाच गाने वालों को जो ना Z+ सिक्योरिटी है, बाबाओं को Z+ सिक्योरिटी है, जो है वो क्या है जिसका छज्जा टूटा था हीरोइन रंजना कंगना रनौत को भी Z+ है। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। इस सरकार से हमारी गुजारिश है कि उनकी जान की सुरक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री से गुजारिश है कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जाए, जिसके वो हकदार भी हैं। वो 85% भारत की जनता का नेतृत्व करने वाले हैं। सर क्या लगता है ये इन पर हमला क्यों किया गया है, किसने करवाया होगा और ये इन्फॉर्मेशन किसने दी होगी कि वो देवबंद में है, वहाँ से गुजर रहे हैं? ये पहले से प्रोग्राम था जहाँ तक मेरा समझ में। कल हम गए थे वहाँ, भाई साहब से मिलने गए थे हम। वहाँ किसी 13वीं का प्रोग्राम था भीम आर्मी का, किसी कार्यकर्ता की माता जी का देहांत हो गया था। ऑलरेडी पहले से फिक्स था कि भाई साहब वहाँ जाएंगे, तो उन्होंने वहाँ रेकी करके अपनी प्लानिंग सेट कर ली। और इसमें जो बड़े षड्यंत्र की बुआ आती है, जैसे जैसे उन्होंने यहाँ पहलवानों का समर्थन किया था और ब्रजभूषण को जैसे सरकार ने बचाया है, ये षड्यंत्र वहाँ से इसकी बुआ आ रही है RSS की। तो क्या लगता है ये जो लोकसभा आने वाले समय में लोकसभा इलेक्शन है और 85% की जो बहुजन समाज की लोग हैं वो भीम आर्मी के साथ है, तो क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है इस हमले के पीछे? वजह यही है, मनुवाद की चूल्हे हिली हुई हैं इस वक्त। अगला इलेक्शन होगा मंडल वर्सेस कमंडल, संविधान वर्सेस मनुस्मृति। यही कारण है हमले का और दूसरा कारण नहीं। अच्छा, यूपी में मायावती जो है वो भी बहुजन समाज से आती हैं, बहुजन समाज को काफ़ी सपोर्ट करने का दावा करती हैं, पर उनका अभी तक कोई, जैसे बता रहे थे, ट्वीट नहीं किया, कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, इस बात की कितनी नाराज़गी है आप में इस बारे में? वो हमारी बड़ी हैं, माननीय हैं, हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो मकसद था माननीय काशीराम जी का, उन्होंने वो ट्रैक छोड़ दिया, दूसरे ट्रैक पर चली गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये देखा आपने कैसे भीम आर्मी के लोगों में आक्रोश बना हुआ है, वो लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि ये आंदोलन क्या नया मोड़ लेती है।